बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कौमों की ज़िंदगी में तालीम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम अपने मुल्क के मसाइल को देखें, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, अगर अगर हम उनकी खोज में लगाएं उनको, तो स्टार्टर प्रॉब्लम आपको मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। तो इसी एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस को समझते हुए आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि टीचर का क्या रोल है, कि किस तरह वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव कर सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट वो डिलीवर करना चाहता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए वो स्टूडेंट्स को वो कंटेंट इफ़ेक्टिवली डिलीवर करे, ताकि स्टूडेंट्स की इफ़ेक्टिव लर्निंग हो और उस लर्निंग को यूज़ करते हुए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो कामयाब प्रोफेशनल बने और अच्छे इंसान बने, वो अच्छी वैल्यूज़ सीखें, ह्यूमन वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, कि सोसाइटी के अंदर उन्होंने कैसे रहना है, कोऑपरेशन कैसे करना है, एकोमोडेट कैसे करना है, सेक्रीफाइस कैसे करना है। तो ये तमाम खूबियाँ उनको एक इदारा सिखाता है, एक इंस्टीट्यूशन सिखाता है। तो इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचर का है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्ट करता है। तो इसी वाले से आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर दी टीचिंग मेथड्स, और टीचिंग है क्या और उसके क्या क्या मेथड्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल क्या है टीचर के, मेजर रोल्स क्या हैं। सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है उस के मैटर पे, उसके कंटेंट पे उसको मुकम्मल अबूर होना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सही इंफॉर्मेशन, उनको सही नॉलेज इनको इंपार्ट कर सके। नंबर टू आता है पेडागॉजिकल एक्सपर्ट, उसको ये तरीके आने चाहिए कि किस तरह वो इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करनी है, किस तरह उसने कम्युनिकेशन को इंश्योर करना है, ताकि वो जो मकासद हैं तालीम के वो पूरे हो सकें। इसलिए उसको पेडागॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, पढ़ाने में उसको माहिर होना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है। जितना वो इन बैरियर्स को जानेगा, उतना ही वो उन चीज़ों को ओवरकम करेगा और कोशिश करेगा कि वो जो पैगाम जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट हो और स्टूडेंट्स की इफेक्टिव लर्निंग हो। स्टूडेंट सेंटर मेंटोर, सबसे उसका एक रोल एक रहबर का है, एक कायद का है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की वो टीचिंग करेगा बल्कि वो उनकी रहनुमाई करेगा, उनको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी शिनाख्त करेगा, उन प्रॉब्लम को शिनाख्त करने के बाद कोई करेक्टिव मेजर्स, दुरुस्तगी के इकदाम करेगा। तो उसने टीचर ने स्टूडेंट को मरकजी ख्याल रखना अपने तमाम प्रोसेस के अंदर। सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस असेसर, सबसे पहले ये है कि उसने जो इंफॉर्मेशन देनी है, जो नॉलेज देना है, वो सिस्टमेटिक देना है। जितना वो सिस्टमेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, उतनी ही इफेक्टिव लर्निंग होगी। और इफेक्टिव और कंटिन्यूस असेस, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट जारी रखेगा, वो ये देखेगा कि आया कि उसने जो लर्निंग आउटकम सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जितना वो अच्छा असेसमेंट करेगा ड्यूरिंग प्रोसेस, उतना वो इस काबिल हो सकेगा कि वो उस प्रोसेस के पेस को जान सके और स्टूडेंट्स की मसाइल को जान सके और स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट को जान सके। जब उसके पास असेसमेंट के नतीजे में कुछ नतज आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करेगा। फ़र्ज़ करें अगर वो लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ा रहा है, अगर वो समझता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करेगा और पार्टिसिपेटरी अप्रोच इख्तियार करेगा और उसको चेंज लेके आएगा अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर। इसलिए टीचर का तमाम प्रोसेस के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को असेस करें कि कौन कितना पार्टिसिपेशन ले रहा है और किसी का उसकी लर्निंग के क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जितनी, और उनके इंटरेस्ट का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें टीचर जानेगा, तो उसके बाद इस काबिल हो सकेगा कि उन टीचर उन स्टूडेंट्स को एंगेज करके इफेक्टिव लर्निंग को इंश्योर कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, मोस्ट टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। क्लियर गोल्स, सबसे पहले टीचर को खुद अपने गोल्स क्लियर हो, उसके बाद स्टूडेंट्स को बताए कि आप हमारे इस कोर्स के बाद इस हमारे हम किस काबिल हो जाएंगे, तो उनको क्लियर गोल करें। क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, और जो कंटेंट वो पढ़ाने जा रहा है उसको क्लैरिटी के साथ पढ़ाए और उसमें कोई अभाम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनको समझ में ना आए, और स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस हो, कहीं उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो वो टीचर के साथ शेयर करें कि सर हमें इस एरिया के अंदर इस कंसेप्ट के हवाले से हमें अभी क्लैरिटी चाहिए। तो टीचर का काम ये है कि उसको क्लैरिफिकेशन को इंश्योर करें और उसके बाद आगे चले। एंगेजमेंट, टीचर जितना स्टूडेंट्स को इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर एंगेज करेगा,
उतनी ही उनकी इफेक्टिव लर्निंग होगी, क्योंकि एंगेजमेंट से क्या होगा, हम स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है वो उसको गेन करेंगे और उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करेंगे। इंसान जितना अटेंटिव होता है उसकी लर्निंग भी उतनी ज़्यादा होती है। अगर मेंटली तो मौजूद हों लेकिन फिजिकली मौजूद हों लेकिन मेंटली कहीं और हों तो हम लर्न नहीं कर सकते। इसलिए स्टूडेंट्स को आपने, टीचर्स ने इंश्योर करना है कि वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट हो क्लास में बल्कि मेंटली भी प्रेजेंट हो, फिर हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस को इफेक्टिवली कर सकेंगे। एंथुसिएज्म, टीचर को परजोश होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। जितना वो गर्म जोशी के साथ परजोश होकर पढ़ाएगा उतना एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा मैसेज आएगा कि हमारा टीचर कितना कीन है और कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो इससे भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कीन हो जाते हैं और वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए टीचर का पुरजोश होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं टीचिंग मेथड्स। ये टीचिंग मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड है, केस मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ये तमाम मेथड्स हैं जिनके जरिए टीचर अपनी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करता है, नॉलेज इम्पार्ट करता है। इसमें लेक्चर मेथड में वो लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को, केस मेथड में कोई केस स्टडी करते हैं, उसको गौर फिक्र करते हैं, उसके बाद उसके नतीज अखज़ करते हैं। डिस्कशन मेथड में टीचर क्लासरूम के अंदर डिस्कशन को जनरेट करता है और मुख्तलिफ ग्रुप बना देता है, फिर टॉपिक्स देता है, स्टूडेंट्स उस ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हर ग्रुप उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देता है। तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है डिस्कशन मेथड। इसके ज़रिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स को एंगेज कर लिया जाता है बल्कि इनकी पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया जाता है कि उस ग्रुप के अंदर वो पार्टिसिपेट करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं, तो डिस्कशन मेथड के ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीख पाते हैं। इसलिए इस मेथड के ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को इंश्योर किया जा सकता है और उनके इंटरेस्ट को भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर वो इंटरेस्ट लें। एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी अगर जितना आप क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, उतना ही स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बेहतर होगा और उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी। कहते हैं व्हाट आई हेयर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर एंड व्हाट आई डू आई लर्न। इसलिए लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक्टिविटी बेस्ड करें और जितना आप एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर करवाएंगे उतनी क्लासरूम की एनवायरनमेंट लाइवली होगी और कंड्यूसिव होगी लर्निंग के लिए। इसकी इस मेथड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें भी है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इंटेलिजेंट, वो जो अपने साथ वीक लर्नर्स हैं, स्लो लर्नर्स हैं, उनको साथ लेके चलें, उनकी टीचर उनकी जो आइडेंटिफाई करें उनके प्रॉब्लम्स और पूरी क्लास जो है साथ चले। टीचर का काम यह है कि ना सिर्फ इंटेलिजेंट बल्कि स्लो लर्नर और मीडियोकर लर्नर को भी साथ लेके चले, तो इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स के अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, वो कोऑपरेशन करना सीखते हैं कि किस तरह लोगों को हमने कोऑपरेट करना है, फैसिलिटेट करना है और उनके मसाइल में हल में उनका साथ देना है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। फिर हम आ जाते हैं लेसन प्लानिंग में। लेसन प्लानिंग कैसी हो, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली। जितना हमारा लेसन प्लान सिस्टमेटिक होगा और सिंपल टू हम कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, सादा से मुश्किल की तरफ जाएंगे, तो हम इतना ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कामयाब होंगे, उन कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे। और कॉन्फिडेंस, जितना हम कॉन्फिडेंटली करें, जितना हम लेसन प्लान अच्छी तरीके से करते हैं तो ना सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है बल्कि स्टूडेंट्स को हम अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन देने में कामयाब हो जाते हैं। सेल्फ लाइट, और इससे हमें सेल्फ लाइट होते हैं, हम कॉन्फिडेंस होते हैं और हमारे पास वाजह खदोखाल होते हैं अपने लेक्चर के कि हमने इतने टाइम के अंदर इतनी एक्टिविटी करनी है, तो इससे मैनेजमेंट भी हो जाती है और हम अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो गिवन पीरियड में हासिल कर लेते हैं। सेव्स टाइम, जितना अच्छा प्लान करेंगे उतनी हमारे टाइम की बचत होगी। कोरिलेशन विद सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, टीचर का काम यह है कि जो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उनकी सोशल और फिजिकल उनकी एनवायरनमेंट से उसको रिलेट करे। जितना नॉलेज को प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ रिलेट किया जाएगा उतनी ही उनकी लर्निंग होगी। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं लेसन प्लानिंग में, सबसे पहले प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन करनी है उसमें, फिर प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एसोसिएशन, अपने लेक्चर के दौरान उसने कंपैरिजन करना है मुख्तलिफ चीज़ों से, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा सीखते हैं जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ तो ज़्यादा सीखते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं कि हमारी कोई या किसी चीज़ से कोई याद जुड़ जाए
लर्निंग जुड़ जाए तो फिर वो हमें याद रह जाती है, इसलिए टीच जो लर्निंग को एक्सपीरियंस को एसोसिएट किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के साथ, जनरलाइजेशन, और फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप जनरलाइज करें, आप ये देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी क्या एप्लीकेशन है। और रिकैपिचुलेशन, और टीचर का काम यह है कि जो अपना लेसन जब डिलीवर कर ले तो उसको रिकैप करे, देखे कि आया के उसको रिव्यू करे और ये जाने असेसमेंट करे कि उसके जो मकासद थे वो पूरे हो गए, ताकि वो आगे मूव कर सके अगले सेशन तक। हम आ जाते हैं इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना टीचर सवाल जवाब के सिलसिले को अपनी क्लास में जारी रखता है उतना ही वो टीच स्टूडेंट्स को एंगेज रखता है और स्टूडेंट्स को अपने साथ प्रोसेस का हिस्सा बनाता है, उतने ही स्टूडेंट्स के नॉलेज का, उनके इंटरेस्ट का और उनकी पार्टिसिपेशन का भी पता चल जाता है। इसलिए इंक्वायरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्टिसिपेटरी है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन है और इसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है और ये उनकी एंगेजमेंट होती है। इस एंगेजमेंट की वजह से ना सिर्फ उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है बल्कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं जो उनकी लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। यहाँ भी हम आ जाते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड की तरफ। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि न्यू नॉलेज, मेथड ऑफ डिस्कवरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडक्शन, अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ सोचते हैं, लेते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, हम सादा से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसमें जाते हैं। पहले हम इसमें क्या करते हैं कि चीज़ों बयान करते हैं फिर उसको एक असूल तक लेके जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स को नया नॉलेज मिलता है और इसमें डिस्कवरी होती है, नई चीज़ें वो डिस्कवर करते हैं। दूसरा मैसेज आ जाता है डिडक्टिव मेथड, ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें पहले असूल बयान किया जाता है फिर उस असूल की जो एप्लीकेशन है लाइफ के अंदर उसको बयान किया जाता है, फिर उसकी जुजियात देखी जाती हैं, उसके कंपोनेंट देखे जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव में हमने जनरल टू स्पेसिफिक थे, अब यहाँ पे स्पेसिफिक टू हम जनरल है। क्विक एंड टाइम सेविंग, ये इस मेथड के अंदर टाइम बच जाता है और ये बड़ा क्विकली प्रोसेस हो जाता है। साइंटिफिक मेथड में आ जाते हैं सॉल्व प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जिस वजह से ये जो मसाइल हैं प्रैक्टिकल जो लाइफ के मसाइल उनको हल करने में उनको मदद मिलती है, उनकी एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, हर चीज़ को वो एविडेंस के साथ करते हैं और आर्गुमेंट्स भी दलील के साथ करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंडिपेंडेंट, और ये स्टूडेंट्स के अंदर खुद मुख्तारी आती है जब वो चीज़ें खुद से करते हैं टीचर की गाइडेंस की रोशनी में, तो उनके अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है उनके अंदर और ये मोटिवेशन का बाइस बनता है। जितना स्टूडेंट्स लर्न करते हैं उतनी ही उनकी मोटिवेशन का लेवल बढ़ता जाता है, अब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये चीज़ें खुद से कर सकते हैं, कहते हैं सेल्फ डन इज़ वेल डन, आपका आज महाकाज। इसलिए स्टूडेंट्स से जितनी आप एक्टिविटीज़ उनको करवाएंगे तो उतनी ही वो कामयाबी से चीज़ें सीखेंगे और वो स्किल्स सीखेंगे, ऐसे स्किल्स सीखेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनके काम आएंगे। तालीम का मकसद स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं जो प्रॉब्लम्स आएं तो अपने नॉलेज की रोशनी में उन मसाइल को सॉल्व कर सकें। इससे आगे आ जाता है एक्टिविटी मेथड, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि टीचर कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकता है स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए या उनके लर्निंग प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए। इसमें लोकल सर्वेज हैं, डिबेट्स हैं, कुछ टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, उसमें एक ग्रुप इसके हक में और एक ग्रुप उसकी मुखालफत में दलाइल दें, ठीक। इस तरह की डिबेट्स जो हैं एक अच्छी डिस्कशन को जनरेट करती हैं और स्टूडेंट्स के जो उनका एनालिसिस और सिंथेसिस है इन चीज़ों को बेहतर हो जाता है इन चीज़ों के साथ। इसमें फिर क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाएँ, कंपटीशंस करवाए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों, जब उनको प्राइज़ दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाएंगे, शील्ड्स दी जाएंगी तो इनके लिए मोटिवेशन का बाइस बनेगा, तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। सोशल सर्विसेज, उनको सोशल सर्विसेज में भी आप एंगेज कर सकते हैं, जैसे ब्लड बैंक्स लगते हैं, ब्लड कैंप्स लगते हैं, इस तरह और मुख्तलिफ तरह की सोशल सर्विसेज में आप स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे तो उनका एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उनके अंदर रजाकारियत होगी और वो सोसाइटी के लिए रजाकाराना तौर पर काम करने के काबिल होंगे, अगर हमने उनको सोशल सर्विसेज अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिखाई।
कैंपिंग भी बड़ा, जब आप बाइक जाते हैं तो कैंपिंग भी बड़ा अच्छी एक्टिविटी है, इसके जरिए आप उनको बहुत अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम कराए जा सकते हैं जिसके जरिए हम अपनी सकाफती इकदार को, नॉर्म्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे इलाके की हमारी जो है इकदार हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल ट्रेडिशनल्स हैं, उनको भी जान सकें। अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर डिस्कशन मेथड में टीचर का क्या रोल आ जाता है जी? टीचर क्या करता है? डायरेक्शन देता है और समराइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारे डिस्कशन मेथड को, और इनकरेज करता है। वो इनकरेज करता है कि ग्रुप के अंदर जब डिस्कशन मेथड हो रहा हो तो तमाम स्टूडेंट्स वे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये ना हो कि ग्रुप के अंदर दो लोग डोमिनेट कर जाएं और चार लोग ऐसे ही पैसिव बैठे हों। तो टीचर का काम उनकी ओवरऑल सुपरविजन करना है, आया कि जो ग्रुप वर्क, जो डिस्कशन मेथड है, उसके मकासद हम पूरे हासिल कर सकें और तमाम स्टूडेंट्स उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतनी उनकी लर्निंग होगी। एक्टिव लिसनर, टीचर का काम है कि वो एक्टिव लिसनर हो। जितना वो स्टूडेंट्स को सुनेगा, उनके मसाइल सुनेगा, तो उस कम्युनिकेशन की वजह से वो इस काबिल होगा कि स्टूडेंट्स को कोई वायबल, फिजिबल उनको कोई हल बता सके, उनकी रहनुमाई कर सके। ट्रस्ट बिल्डर, सबसे पहले ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। स्टूडेंट को ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर हम सर के साथ, हमारी या हमारी टीचर के साथ, मैडम के साथ अगर हम कोई इशू डिस्कस करेंगे तो वो ना सिर्फ हमें हल तजवीज़ करेंगे बल्कि इनक्रेज करेंगे और हमें काउंसलिंग करेंगे। हमारी ये ट्रस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, स्टूडेंट्स अपने मसाइल को टीचर से छुपाएंगे, जब छुपाएंगे तो फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगी और लर्निंग के मसाइल बढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा गहरा असर होगा इस जो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से। फिर इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड, तो ये सारा मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें स्टूडेंट्स को ही सारी इंपॉर्टेंस हासिल है और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए ही सारी कोशिशें की जाती हैं कि ताकि तमाम स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम अचीव हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर गौर व फिक्र करने की सलाहियत बेहतर होती है। जब इंसान खुद गौर व फिक्र करता है, खुद सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करता है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, मीनिंगफुल बामानी है, एटीट्यूडनल चेंज, इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एटीट्यूड में भी पॉजिटिव चेंज आती है, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। और जब स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकली चीज़ें कर लेते हैं तो उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो बेहतर हो जाता है, वो समझ लेते हैं कि हम अगर ये कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना हम उनका ये जो कांट डू एटीट्यूड को कैन डू एटीट्यूड में चेंज करेंगे, उतनी ही लर्निंग उनकी इफेक्टिव होगी और उतना ही वो आगे लर्निंग के मैदान में आगे कामयाब होंगे। सेट इंडक्शन, तालीम के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए तैयार किया जाए, उसको हम कहते हैं सेट इंडक्शन। अगर आपके स्टूडेंट्स अगर जहनी तौर पे तैयार नहीं है उस लर्निंग के लिए, उस आप प्रोसेस के लिए, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए टीचर के लिए ज़रूरी है कि जब वो लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को तैयार करें। जितना वो तैयार होंगे उतने ही कम्युनिकेशन बेहतर होगी और टीचर जो अपने ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करने में कामयाब होगा। तो ये टाइप्स ऑफ सेट इंडक्शन है, फैसिलिटेटिंग सेट्स, मोटिवेटिंग सेट्स। पहले उनको फैसिलिटेट करेगा, उनको देखेगा है कि उनको कोई बैठने में या कोई इन्वायरमेंट के हवाले से कोई स्टूडेंट्स को कोई इशू तो नहीं है, तो फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करेगा कि उनको तालीम की अहमियत बयान करेगा, उस सब्जेक्ट की अहमियत बयान करेगा कि उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर होगा, उनके ग्रेड्स में और उनके प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी में क्या रोल होगा। जितना स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे उतनी उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और उतना ही वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रोसेस के अंदर। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की कौन कौन सी खूबियाँ हैं, सबसे पहले वॉइस, आवाज़ क्लियर हो, टोन टोन बेहतरीन हो, कोई अथॉरिटेटिव ना हो, डेमोक्रेटिव आपका एटीट्यूड हो, आपकी आवाज़ से लगे कि आप उनको कुछ, उनके भले के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर धमका नहीं रहे उनको। जितनी आप स्वीट आपकी पर्सनैलिटी होगी उतने ही स्टूडेंट्स आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, उतनी ही क्लासरूम की जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव होगी लर्निंग के लिए। वोकैबलरी, टीचर का काम है कि उसको वोकेबलरी पे मुकम्मल अबूर हो,
ठीक है, अपने सब्जेक्ट कंटेंट पे उसको मुकम्मल कमांड हो, उसकी अच्छी तैयारी हो, ह्यूमर, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर टीचर का अच्छा होगा तो उतना ही क्लासरूम की जो इन्वायरमेंट को लाइवली रख सकेगा। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हरकत और सकनात भी एक खास में ऐसी देरी होती हैं, इसलिए टीचर का या ट्रेनर का काम यह है कि अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी मेंटेन करें, कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज ना दें जिससे वो लगे कि टीचर इंटरेस्ट, टीचर का इंटरेस्ट नहीं है लर्नर या ट्रेनर का इंटरेस्ट नहीं है, या वो वैसे ही जो है ना वो ऐसी नज़रों से देख रहा है जिससे उनको अच्छा फील ना हो। तो नेगेटिव कोई इंप्रेशन टीचर का नहीं देना चाहिए, उसको लगे कि ये हमारा रहबर है, ये हमारा रहनुमा है और ये हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहा है। आगे जाते एविएट्स, एविएट्स का इंपॉर्टेंट, अभी जदीद दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब ऑडियो विजुअल एड्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोजेक्टर्स है, मल्टीमीडिया है, टीवी है, रेडियो है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें आप चार्ट्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा तालीम के लिए। जब आप उनको फ़र्ज करें आपने उनको चीनी बनने का आपने कोई प्रोसेस बताना फर्ज बताया आपने, लेकिन अगर आप उसको उस प्रोसेस को अगर आप किसी वीडियो के जरिए दिखा दें कि चीनी ऐसे तैयार होती है शुगर मिल के अंदर, तो उनकी लर्निंग भी होगी, एक उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और ये लर्निंग जो होगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, वो सारा प्रोसेस अपनी आंखों से देखेंगे। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी, क्योंकि हमारे जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही उनकी इफेक्टिव लर्निंग होगी और उतना ही हम लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जो हमारा सबसे बुनियादी ऑब्जेक्ट है कि हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है और पार्टिसिपेटरी बनाना है। इसमें क्या क्या टाइप्स आ जाती हैं, पिक्चर है, टाइम चार्ट, टेबल चार्ट, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर्स, रेडियो, यानी कि जो जो चीज़ें भी ऐसी हैं जो हमारे सुनने या देखने में मददगार होती हैं उनको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, और इनके इस्तेमाल से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इंश्योर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था, उसमें ये था कि जितने हम टीचर जितने ज़्यादा सेंसर सेंसेस को इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट्स के अपने, तो उतनी इफेक्टिव लर्निंग होगी। उम्मीद है कि आज के टीचिंग के वाले से कि टीचिंग क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, तो काफ़ी रहनमाई मिली होगी कि किस तरह हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग, पार्टिसिपेटिव बना सकते हैं, और बाकी जो सोशल वैल्यूज़ हम सिखाना चाहते हैं इन मेथड के ज़रिए कि वो कोऑपरेटिव बने, बर्दाश्त, उनके अंदर पेशेंस बढ़े, टॉलरेंस बढ़े हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, और ठीक है, और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो, उनका मोटिवेशन लेवल बेहतर हो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अच्छे टीचर बनेंगे और अच्छे ट्रेनर बनेंगे, तो ये तमाम मकासद जो हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग्स के टीचिंग के अचीव हों, हासिल हों। अल्लाह हाफिज़।